आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला बुला के धमका रहे हैं। मैं गांव में जब जाता हूँ तो गांव में हमारे तमाम प्रधान लोग कहते हैं कि उनको कहा जाता है कि अगर तुम वोट नहीं कराओगे तो जांच आपकी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने जिला प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया। सपा सांसद लालजी वर्मा ने डीएम पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर उन्हें धमकाया जा रहा है, जाति देखकर लेखपाल, बीएलओ, यहां तक कि एसडीएम का ट्रांसफर किया गया है। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी कहा कि प्रधानों कोटेदारों को धमकाया जा रहा है कि वोट दिलवाओ नहीं तो जांच शुरू करा दी जाएगी। दोनों नेताओं ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। कटहरी से उपचुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावती वर्मा ने दो सीटों में नामांकन दाखिल किया। शोभावती वर्मा के साथ नामांकन कराने के लिए उनके पति सांसद लालजी वर्मा भी साथ आए थे। लालजी वर्मा ने जिलाधिकारी पर भाजपा के पक्ष में काम करने और प्रधानों को, खासकर मुस्लिम प्रधानों को, भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम प्रधानों से कहा जा रहा है कि या तो भाजपा को वोट करिए या फिर वोट डालने मत जाइए। प्रधानों, कोटेदारों, शिक्षकों को वोट दिलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। तरह से टुकड़ी टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेररिज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया है। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एस सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया, जाति देखकर बीएलओ का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते। जैसे वीटी का जो एसडीएम है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। वहीं कटहरी उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कटहरी से 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके अमित वर्मा इस बार बसपा से मैदान में हैं। उनके नामांकन में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी सीट जीतने के लिए प्रधानों पर दबाव बना रही है। प्रधानों से कहा जा रहा है कि वोट नहीं दिलवाओगे तो जांच शुरू करा दी जाएगी। कोटेदार भी जांच से डरे हुए हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। निश्चित है कि मैं गांव में जब जाता हूं तो गांव में हमारे तमाम प्रधान लोग कहते हैं कि उनको कहा जाता है कि अगर तुम वोट नहीं कराओगे तो जांच आपकी शुरू हो जाएगी। कोटेदार परेशान है कि हमारी जांच शुरू हो जाएगी। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी जो लाखों नौकरी मान्य बहन जी के द्वारा सफाई कर्मी दिए गए हैं, उनको भी कहा जाता है कि भीड़ ले आओ वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन माननीय योगी जी आपके भेटी में आए थे, उस दिन बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी घोषणा करने के लिए हमने कार्यक्रम रखा था, प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। उसकी चुनाव है तो चुनाव में तो हर दल के नेता आएंगे। ये कोई ज़रूरी है कि एक दिन में एक ही दल का नेता आएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। ये हमेशा हुआ है, अगर चुनाव हो रहा तो हर दल के नेता आएंगे और प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। प्रशासन की सर्वैया कि आप लोग शिकायत करेंगे? नहीं, निश्चित करेंगे। जो भी वो कमी करे उसकी शिकायत तो की ही जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख घोषित की जा चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।